सारण पुलिस ने बंगाल और बिहार एसटीएफ टीम के सहयोग से अर्धनिर्मित हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया है। साथ ही सीमेंट ईंट फैक्ट्री संचालक सहित निर्माण करने वाले 5 कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। 1 हथियार और 3 जिंदा कारतूस जब्त करने में सफलता मिली है। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा अनुसार हर्ष फायरिंग और अवैध हथियार के विरुद्ध सारण पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 29 जुलाई को देर शाम को मढ़ौरा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मढ़ौरा थाना अंतर्गत रूप रहीमपुर गांव में अखिलेश कुमार कुशवाहा एवं अनिल राय द्वारा अवैध रूप से आग्नेयास्त्र का निर्माण एवं तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर मढ़ौरा पुलिस के अलावा कोलकाता एसटीएफ एवं बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापामारी दल का गठन कर देर रात्रि को रूप रहीमपुर गांव स्थित अखिलेश कुमार कुशवाहा की सीमेंट ईंट फैक्ट्री का घेराबंदी कर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान उक्त गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा के पुत्र अखिलेश कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया एवं उनके सीमेंट ईंट फैक्ट्री में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लोहे का पिस्टल बनाने वाला बॉडी का ढांचा 18 पीस, लोहे का बैरल 19 पीस, लोहे का पीठिया 43 पीस, 75 पास लोहे का पिस्टल बनाने वाला अर्धनिर्मित स्लाइडर, 36 पीस लोहे का अर्धनिर्मित बैरल बनाने वाला लोहा, 30 पीस कटप्लाटिक का कभर लगा हुआ, 4 पीस वर्मा ग्रिल, 2 पीस पत्थर का बॉडी फर्मा, 10 पीस लोहे का सवा सुता यर्मा, मापने वाला 2 पीस मैनिया, 1 पीस लोहे का बाटम, 1 पीस स्टील का एगिल बटम, 1 पीस लोहे का मापने वाला बैरल, 1 पीस वेल्डिंग मशीन, 19 पीस पिस्टल बनाने में प्रयुक्त होने वाला लोहा, 1 पीस वेल्डिंग छड़, 1 पीस अल्टरनेटर जनरेटर, 1 पीस पानी वाला मोटर, 1 पीस जक, 1 देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 लेथ मशीन, 2 मिलिंग मशीन, 1 ड्रिल मशीन, ब्लू रंग का ग्लैमर मोटरसाइकिल, 1 अपाची मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सीमेंट ईंट फैक्ट्री संचालक सह मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रूप रहीमपुर गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अखिलेश कुमार कुशवाहा के अलावा मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हजरतगंज खानका रोड निवासी कमाल मेहरुने के पुत्र मोहम्मद चांद, कमरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद परवेज, समी आलम के पुत्र मोहम्मद साहिल आलम और मोहम्मद नाजिमुद्दीन के पुत्र मोहम्मद इरफान को हथियार निर्माता के रूप में गिरफ्तार किया गया है। कि मढ़ौरा थाने के रूप रहीमपुर क्षेत्र में अवैध मिनीगन फैक्ट्री चलाई जा रही, इस पर कोलकाता एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और सारण पुलिस तीनों का ये संयुक्त रूप से अभियान चला था, जिसमें हम लोगों ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और पिस्टल के जो सामान है वो आप देख रहे हैं, इन सब की बरामदगी करी है। और इससे कहीं ज़्यादा सामान हम लोग ला नहीं पाए हैं, क्योंकि वही वहीं पर पड़ा हुआ है जिसको सीज किया गया है। बहुत भारी संख्या में इससे काफ़ी संख्या में हथियार बनाए जा सकते थे। फिलहाल तो हमारे पास 75 अभी अर्धनिर्मित जो सामान है वो दिख रहा है। इसके अलावा इसको काट करके हज़ारों की संख्या में लोग बना सकते थे। और इसमें जो मुख्य जो कार्य करने वाले हैं वो लोग मुंगेर से लाए गए हैं, जिनकी शिनाख्त हुई है, और 4 वहाँ के लोग पकड़े गए हैं जो कासिम बाजार मुंगेर थाना के रहने वाले हैं। इसमें जो मुख्य मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी ज़मीन पर ये काम हो रहा था, और एक अभियुक्त फरार होने में सफल हो गया है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। कहाँ पे ये पूरा क्या मॉडल है तो वो सभी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। कौन कौन से हथियार बनते हैं, क्या मॉडल सापड़ंगी रहा है सर, ये नक्सल वगैरह को भी सप्लाई करते थे? नक्सल से इनका संबंध होने की बात नहीं आई है, लेकिन हम लोग उन सभी बिंदुओं पर भी जाँच कर रहे हैं। कौन कौन से हथियार बन रहे थे सर? ज्यादातर पिस्टल ही बन रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं पिस्टल की ही बॉडी है, उसका साइलेंसर है, उसका ये इन्होंने जो क्या बड़े हथियार भी बन रहे थे इसमें? बड़े हथियार की बात अभी तक नहीं आई। सर, सारण में एनआईए की टीम भी हथियार सप्लाई को लेकर यहाँ कई बार रेड कर चुकी है, क्या उसका कनेक्शन एनआईए से भी है? हम लोग उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, विभिन्न एजेंसियों से बात हो रही है, और वो लोग भी इसमें आएंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे। सर, कहीं इसका सप्लाई भी करने का आशंका है क्या? जैसा मैंने बताया कि अभी हमें प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है, इसमें बहुत तरह के बिंदुओं पर जांच बाकी है, जिसको हम लोग समय पर इसका और अच्छा, कितने लोग अरेस्ट? 5 लोग टोटल अरेस्ट किए गए हैं। सरगना में कोई मैंने किंग सरगना जो है इसमें अखिलेश कुशवाहा जिसका नाम है, जिसकी ज़मीन पर यह काम किया जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। उसके साथ चांद मियाँ करके एक है जो मुंगेर से आया, और उनके साथ 3 और जो काम करने वाले हैं जो इस तरह का फाइन हथियार बना सकते हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। टोटल 5 सिर्फ हथियार ही बन रहा था सर, या कुछ और भी बन रहा था वहाँ पे? उसके आड़ में ये कुछ कर रहे थे, फ्लाइंग एश के आसपास फ्लाइंग एश की ईंटें बन रही थी, जिसकी आड़ में जो है क्योंकि एक ओट हो जाती है तो ये लोग अपना जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसके बारे में और छानबीन। फैक्ट्री किसकी है वो फ्लाइंग एश की? अखिलेश कुशवाहा का बताया जा रहा है। अन्य राज्य में निर्मित हथियार भी बरामद हुआ है क्या?
अन्य राज्यों से इसका लिंक खंगाला जा रहा है। अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम लोग देखेंगे कि इतनी मात्रा में लाते कहाँ से कच्चा सामान और फिर बना करके परिष्कृत फॉर्म में इसको कहाँ कहाँ भेजते हैं उसके बारे में। बंगाल पुलिस का लगातार इन लोगों पर निगरानी रख रही थी क्योंकि वहाँ भी कुछ आपराधिक घटनाएं हुई थी जिनके लिंक जो है यहाँ से निकले थे, तो वो लोग जो इसके खास कर करके जो चांद है उसके बारे में शिनाख्त कर रहे थे, चांद मियाँ के बारे में, तो उनकी सूचना थी, उन्होंने सूचना दी और हम लोग जो है इस पर कार्रवाई।